नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूँ आपके साथ दिव्या। आपके सितारे में आज हम जानेंगे दुर्भाग्य नाशक और सौभाग्य में वृद्धि हेतु चमत्कारी श्री राम मंत्र और चौपाई। साथ ही जानेंगे क्या कहती है आपकी राशि। तो देर कैसी शुरू करते हैं आपके सितारे, जानते हैं कैसे होगा दुर्भाग्य दूर। तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से सौभाग्य वृद्धि चमत्कारी मंत्र। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 01204646332 और 01204646327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आचार्य जी से सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070, फाल्गुन मास चल रहा है और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है। मंगलवार का दिन है, नक्षत्र है पुनर्वसु, योग है सौभाग्य और करण है गर। और बारी है 12 राशियों की राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। जी बिल्कुल, मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में नियोजित रूप से काम करने से व्यावसायिक आपकी जो योजनाएं हैं वो बहुत सफल हो सकती हैं। नियोजित रूप से तात्पर्य यह है कि जो भी आप काम करें बहुत ही प्लान्ड वे में और बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में करें, पहले से उसको तयशुदा तरीके से करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आज किसी रोगी व्यक्ति की सहायता करना, उसको अन्न और वस्त्र का दान देना आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। यदि आपका सामर्थ्य है, आपसे संभव हो सकता है तो किसी रोगी व्यक्ति का इलाज भी कराना चाहिए। उसकी दवाओं की व्यवस्था यदि आप कराते हैं, उसकी दवाओं का प्रबंध आप कराते हैं तो दैवीय कृपा बहुत अच्छे से मिलती है। आज की तिथि में बड़े बुजुर्ग जो बातें कहते हैं उनकी बातों को आप अन्यथा ना लें, दिल पर आपको उनकी बातों को कभी भी नहीं लेना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का दिन कैसा रहेगा और दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज दिन बहुत खुशनुमा बीतने वाला है और आज का जो माहौल होगा, पूरा वातावरण होगा, या यूं कहें कि जो पूरी दिनचर्या होगी, वह लाभ के साथ साथ मनोरंजन के अवसर भी आपको उपलब्ध कराएगी। कार्य भी होंगे, मनोरंजन के अवसर भी मिलेंगे, यानी कुल मिलाकर के बहुत ही खुशनुमा आज का दिन बीतने वाला है। आज की तिथि में आपको एक बात का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है कि आप वाणी पर संयम रखें, वाणी पर अपना नियंत्रण आप ना खोएं, भगवान श्री महादेव की आप पूजा आराधना करें और कोई नया अनुबंध करने के लिए आज की परिस्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं है। तो जो काम, जो प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं, जो पहले से चल रहे हैं, आज उनको ही आपको आगे बढ़ाना चाहिए। और अब देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। नेत्र विकार की संभावना बहुत ज्यादा है, यानी आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आई इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकती हैं। मौसम में वैसे भी बदलाव चल रहा है तो ऐसे बदलाव के समय में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान, खासतौर पर अपने नेत्रों का ध्यान रखना चाहिए। आज की तिथि में माता पिता के आशीर्वाद से अपने दिन का आरंभ करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा और उसके साथ साथ देवी दुर्गा की कुछ पूजा आराधना आपको कर लेना चाहिए, वो आपके हित में होगा। आज जब आप वाहन का प्रयोग करते हैं तो बहुत सावधानी से करें, बहुत तेज गति में वाहन न चलाएं और जहां तक हो सके बहुत ज्यादा आवश्यक ना हो तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आज स्वयं आप अपने हाथों से वाहन का प्रयोग न करें तो ज्यादा बेहतर है। और चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि व खर्च संभव है, यानी परिवार और घर के उपयोग में आने वाली जो भी चीजें हैं, खासतौर पर कोई अप्लायंसेज हैं या परिवार के आवश्यकता की जो चीजें हैं,
उनको खरीदने के लिए आज आप कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं, वो खरीदेंगे और उनमें आपको कुछ व्यय करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के आप अपनी गृहस्थी के लिए कुछ सामान जोड़ रहे हैं, इसमें आपको बहुत सोचना नहीं चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। हनुमान जी को लाल पुष्प की माला अर्पित करें और उसके साथ साथ बेसन के लड्डू अर्थात मोदक अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। आज की तिथि में आपको एक बात बताता हूँ जो शास्त्रीय बात है, इस बात को आपको आज बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कोई व्यक्ति सोता हो तो उसे ना जगाएं, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। अगर आज आप ऐसा करते हैं तो शायद उसके कुछ दुष्प्रभाव आपके ऊपर आ सकते हैं, तो इस प्रकार के कृत्यों से बचना चाहिए। और चलिए अब देख लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कुछ लंबी यात्राएं आपके सामने आ सकती हैं और ये यात्राएं आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी नहीं होंगी, ये नुकसानदायक सिद्ध होने वाली हैं, तो ऐसी यात्राओं से बचना चाहिए। और अपने क्षेत्र की सीमा में, अपने जिले की सीमा में रहते हुए ही यदि आप कोई काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज की तिथि में भगवान विष्णु की आराधना आपके लिए शुभ फलदायी होने वाली है, तो विष्णु सहस्त्रनाम या फिर पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं या बहुत सीधे तौर पर आप विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए अर्थात झूठ और गलत नहीं बोलना चाहिए। और अब देख लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए, खासतौर पर उन दंपतियों के लिए जिनके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति थी, आप अपने दाम्पत्य जीवन में अब मधुरता का अनुभव कर सकते हैं। अपनी वाणी को आपको नियंत्रित रखना चाहिए और आपको आज की तिथि में बहुत ही सौम्य व्यवहार करना है, अपने परिवार में भी, अपने प्रियजन से भी और उसके साथ साथ अपने कार्य क्षेत्र में भी। सोच समझ करके नपातुला संवाद करेंगे, व्यवहार बहुत आप अपना संयमित रखेंगे, संतुलित रखेंगे और बहुत पॉजिटिव अपना एटीट्यूड रखेंगे तो आज का दिन बहुत अच्छा बीतेगा। आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को कुछ मीठा और नमकीन भोजन कराना चाहिए और उसके साथ साथ देवी संकटा का अगर आप पूजा पाठ आराधना करते हैं, संकटा स्त्रोत का पाठ करते हैं या संकटाष्टक का पाठ करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। शास्त्र का एक वचन आज आपके लिए भी है, वो यह है कि भोजन के उपरांत आपको स्नान नहीं करना चाहिए, अर्थात सबसे पहले स्नान करें फिर उसके बाद अपनी पूजा पाठ करें जो आपकी नित्य की दिनचर्या है, उसके बाद आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए अर्थात भोजन करना चाहिए। और अभी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है, रानी जोशी जुड़ गई है। रानी जोशी पूछिए अपना सवाल। गुरु जी प्रणाम, मैं रानी हल्द्वानी से, मेरी पुत्री कंचन, जन्म स्थान नैनीताल, जन्म समय 8:55, सुबह तिथि 9 सितंबर 85, इसके विवाह में बहुत विलंब हो गया है, हमने शनि राहु केतु के जाप भी करवा लिए हैं, कृपया बताएं हम क्या करें जिससे निर्विघ्न रूप से विवाह हो जाए, धन्यवाद। जी निश्चित तौर पर, मुझे हम लोगों को यही समझ में आया कि आपने लिखा हुआ पूरा प्रश्न पढ़ लिया, वो ज़्यादा अच्छा सही तरीका था जिससे समय खराब नहीं हो पाता है। देखिए आपकी कन्या की कुंडली में शनि की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है, शनि इनके लिए पंचम भाव के स्वामी होने के साथ साथ षष्ठमेश भी हैं, तो निश्चित तौर पर छठे भाव का भी प्रभाव तो मिलेगा ही। और शनि इनकी कुंडली में तुला राशि में उच्च की अवस्था में बैठे केतु के साथ, तो वो बाधा उत्पन्न करने वाली स्थिति है। शनि है तो उच्च के लेकिन केतु के साथ बैठे हैं तो निश्चित तौर पर केतु का प्रभाव भी आपको ज़रूर मिलेगा। और ऐसे में ये कहा जाता है कि राहु केतु जिस भी ग्रह के साथ आ जाएं उस ग्रह का स्वभाव धारण कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर वर्तमान समय में आपने बताया कि आपने कुछ ग्रहों का जाप और शांति करा रखी है, आपकी कन्या मांगलिक भी है, तो अभी इसके विवाह में कुछ बाधा दिखाई देता है। जहां तक आपने विवाह की बात पूछी है तो अभी से पूरा पूरा 1 से लेकर 1.25 साल का समय जो है वह विलंबित दिखाई देता है। इस समय में आपको बहुत अच्छा सा उपाय बताता हूँ, भगवान श्री राधा और कृष्ण की आराधना कर लेना आपके कन्या के विवाह के विलंब को दूर कर सकता है। शिव पार्वती की पूजा अगर की जाए तो भी बहुत अच्छा फायदा मिलेगा और उसके साथ साथ विष्णु और लक्ष्मी की भी पूजा कर सकते हैं, यानी ये जो तीन देवता जिनके जोड़े हैं अगर आप इनमें से किसी भी एक की पूजा आराधना करते हैं तो फायदा मिलता है। उसका बहुत सीधा सा संबंध है कि शनि के इष्ट हैं भगवान श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण और राधा का की आराधना की जा सकती है। शनि देव ने साधना की भगवान शिव की, तो शिव पार्वती की साधना की जा सकती है और उसके साथ साथ विवाह के लिए विष्णु जी की तो पूजा आराधना किसी भी कन्या के लिए आवश्यक होती है, तो विष्णु जी की आराधना से भी फायदा मिलेगा। और अभी कॉलर 12 से जुड़ गए हैं, ताराचंद जुड़ गए हैं। ताराचंद जी पूछिए अपना सवाल। नमस्कार,
हाँ पंडित जी जी बताइए जी। मेरा सवाल ये कि मेरा पूरा जीवन गुजर गया संघर्ष करते हुए, पर लेकिन मेरे को सफलता नहीं मिल पा रही। जो भी काम करता हूँ साल दो साल चलता है, उसके बाद वो अपने आप डाउन हो जाता है। अच्छा, आप अपना जन्म विवरण बता दें। हाँ जी, मेरा जन्म 1972 है जी। तारीख और महीना 15 अगस्त जी। समय बता दें। समय शाम को 5 बजे, 5:15 जी। जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है। जिस प्रकार से आपने कहा कि आपका पूरा जीवन बीत गया, अभी तो जीवन की शुरुआत है। जीवन की शुरुआत 40 के बाद से मानते हैं ज्योतिष में, ऐसा कहते हैं। जो भी राजयोग होता है वो 40 के बाद ही अमूमन किसी आम व्यक्ति के जीवन में प्रभावी होता है, बशर्ते वो किसी राज परिवार में ना पैदा हुआ हो। आप और मैं राहुल गांधी तो है नहीं कि हम लोग राजयोग लेकर के पैदा हुए। हम अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से अपना भाग्य लिख सकते हैं। तो जो भी राजयोग होगा वह 40 के बाद से प्रभावी होगा। तो वो समय आपकी कुंडली में अब आ रहा है। सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि शनि की महादशा में राहु की अंतरदशा है। शनि आपके लिए दूसरे और तीसरे भाव का स्वामी है। और अक्सर मैं ये बात बताता हूँ कि दूसरा भाव जो है वह धन भाव है, तीसरा भाव जो है वह संघर्ष का स्थान है। अब धन भाव में राहु की स्थिति, तो निश्चित तौर पर जो भी परिवार का धन होगा, जो आपको मिला होगा कि भैया इस पैसे से बिजनेस शुरू कर लेना, फैमिली सपोर्ट जिसे कहते हैं, वह बहुत अच्छा नहीं मिल पाया होगा। और जो धन मिला भी होगा, आपने उसको प्रयोग भी किया होगा, तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं से नुकसान हो गया होगा, डूब गया होगा। ऐसे समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमानाष्टक का पाठ करें। शनिवार और मंगलवार की तिथि में हनुमान मंदिर जा करके वहाँ पर आप एक सरसों के तेल का दीपक लगा करके वहाँ बैठ करके साथ पाठ हनुमान चालीसा करते हैं तो निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। ये समय संघर्ष का जरूर है, लेकिन संघर्ष से पीछे हटने की परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। आपको हमेशा परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। और आपके सितारे में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे अगली राशियों के बारे में, साथ ही जानेंगे आचार्य जी से आज का महा उपाय। और ब्रेक के बारे में फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही सुखद रहने वाला है। आपको बहुत ही सुखद अनुभव होगा किसी यात्रा में, यात्रा का प्रसंग आएगा, आप यात्रा करेंगे, यात्रा सुखद रहेगी और उसके साथ साथ आपको मनोरंजन के अवसर मिलेंगे, सुरुचिपूर्ण भोजन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आज दिन बहुत अच्छा होने वाला है। और जिस यात्रा पर आप जा रहे हैं या जाने वाले हैं, जो भी आपका काम का उसमें मामला है, उस काम के प्रायोजन में भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। तो आज की तिथि में जब भी आप अपना कार्य करें, क्रोध करने से बचिए। जितने शांत चित्त से, जितने प्रसन्न मन से काम करेंगे उतना अच्छा फायदा मिलेगा। यात्रा करते हैं तो यात्रा में लापरवाही से भी बचिए, इसका भी ध्यान रखिए। और उसके साथ साथ माँ लक्ष्मी की आराधना करके दिन को आरंभ करिए। लक्ष्मी चालीसा, श्री सूक्त या लक्ष्मी गायत्री का पाठ करके आप आगे बढ़ें तो बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं आज के दिन का। तो चलिए अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज आयात निर्यात करने वाले व्यापारी वर्ग को बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आज आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज की तिथि में आपको देवी की आराधना करनी चाहिए, देवी दुर्गा की आराधना करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि किसी 9 वर्ष से कम अवस्था की कन्या को आप अपनी तरफ से कुछ मीठा आज दान दे सकें, कुछ उसको भोजन करा सकें, या कम से कम कुछ चॉकलेट्स अगर आप उस बच्ची को देते हैं, उस कन्या को देते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। आज आपके लिए शास्त्रीय वचन ये है कि आप स्नान किए बगैर, पूजा पाठ किए बगैर तिलक धारण मत करिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट, बहुत सचेत रहना होगा, क्योंकि आज की तिथि में संयोग कुछ ऐसे बन रहे हैं कि कोई प्रिय वस्तु
आज आपसे खो सकती है, या अगर पुराने समय में आपसे कोई प्रिय वस्तु खो गई थी तो आज आपको वो वापस मिल सकती है। तो आज आपको अलर्ट रहना है इस मामले में कि आपसे अपनी कोई प्रिय वस्तु खो ना जाए, और अगर आपसे कोई प्रिय वस्तु खो गई थी, गुम गई थी, मूल्यवान वस्तु आपसे कहीं गुम गई थी, तो भी आपको अलर्ट रहना चाहिए, आपको लगातार उसे खोजते और देखते रहना चाहिए, तो वह आज आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, पुनः प्राप्ति के भी संयोग बन रहे हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें और एक खड़ी हल्दी की गांठ लेकर के उसे आप किसी जलधारा में प्रवाहित कर देते हैं तो दिन की जितनी भी नकारात्मकता है या जो क्षति के योग बन रहे हैं उससे आप बच सकते हैं। आज की तिथि में दूसरी बात जो शास्त्रोक्त है वह आपके लिए ध्यान रखने योग्य ये है कि मध्य रात्रि में स्नान करने से आज आपको बचना चाहिए। और अब देख लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में किसी प्रिय व्यक्ति या पुराने मित्र के साथ सुखद पलों का आप आनंद ले सकते हैं, दिन बहुत अच्छा बीतेगा, पुरानी यादों को आप ताजा कर सकते हैं, और जिन मित्रों से काफी समय से आपकी मुलाकात नहीं हुई थी उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। आज की तिथि में पशु पक्षियों को आपको अपने हाथ से चारा देना चाहिए। सप्त धान्य जिसे सतंजा कहते हैं, 7 तरीके के अनाज यदि आप पशु पक्षियों के लिए किसी खुले स्थान पर रखते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज आपके लिए जो शास्त्रीय मत है वह ये है जो आपको ध्यान रखना चाहिए आज की दिनचर्या में, पूरे रूटीन में, कि जब भी आप कुछ भोजन करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, तो आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ ना हो, अर्थात दक्षिण मुख करके कुछ भोजन आप ग्रहण ना करें। और अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का दिन आज का कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के साथ मनोरंजन हेतु खर्च पर आप कुछ व्यय कर सकते हैं, खर्च की स्थिति आ सकती है परिवार के मनोरंजन के लिए, कहीं घूमने फिरने के लिए, तो ऐसी स्थिति में आपको निश्चित तौर पर व्यय करना चाहिए, उसमें आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना आज आपके लिए बहुत शुभ फलदायी हो सकती है, और उसके साथ साथ अपने व्यापार पर भी आपको ध्यान देने की स्थिति जरूर रखनी चाहिए। नीले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से अगर आप बचते हैं आज तो आपके हित में होगा। और अब बारी है आखिरी राशि की, जान लेते हैं मीन राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे, व्यस्तता के बाद भी आप परिवार को समय दे सकेंगे। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए आपको करना ये चाहिए कि जब भी आप स्नान करने जाएं तो स्नान करते समय जल में एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा डाल दीजिए और उसके बाद आप स्नान करिए। फिटकरी के जल से स्नान करने से आपका ऑरा जो है वह साफ होता है, आपकी ऊर्जा जो है वह शुभ होती है, आपकी आभा मंडल जो है वह बहुत ज़्यादा शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से आप प्रयोग करेंगे तो दिन की नकारात्मकता से आप बच सकते हैं। पश्चिम दिशा की तरफ बैठ करके या पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके भोजन करने से आपको बचना चाहिए। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल, चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि इस महा उपाय से आप अपने दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं, अर्थात इसलिए इसका नाम दिया गया दुर्भाग्य नाशक व सौभाग्य में वृद्धि हेतु चमत्कारी श्री राम मंत्र व चौपाई। तो आज जो मैं आपको भगवान श्री राम की चौपाई बता रहा हूँ, जिसे आप राम मंत्र भी समझ सकते हैं अथवा ये मानस का दोहा भी है, तो इसको आप दोहा समझें, चौपाई समझें या रामबाण मंत्र समझ सकते हैं, राम मंत्र समझ सकते हैं। इस मंत्र के जाप से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके साथ साथ दुर्भाग्य दूर हो जाता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। उक्त श्री राम मंत्र अथवा दोहा श्री रामचरित मानस के अयोध्या कांड से लिया गया है, अयोध्या कांड से ये उद्धृत है। इस श्री राम मंत्र का जाप करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है जिसका निरंतर जाप करने से बुरे भाग्य का अंत हो जाता है और सौभाग्य में वृद्धि होने लगती है। आपका जो खोया सौभाग्य है वह पुनः आपको वापस मिल जाता है, या जो सुषुप्त सौभाग्य है, जो योग आपके लिए राजयोग हैं और जो प्रभावी नहीं हो रहे वह जागृत हो जाते हैं। इस चौपाई का जाप किसी मंगलवार अथवा शनिवार से संपूर्ण विधि विधान के साथ आरंभ किया जाना चाहिए और नियमित 21 माला 45 दिन तक जाप करें तो शीघ्र ही लाभ आपके जीवन में परिलक्षित होता है। अब आप सोचेंगे कि संपूर्ण विधि विधान क्या है। संपूर्ण विधि विधान के बारे में हमने कई बार पहले भी चर्चा की है। जब भी आप साधना करें तो आपको पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए, लाल वस्त्र धारण कर लें और उसके बाद अपने घर के पूजा स्थान में भगवान श्री राम का कोई चित्र या मूर्ति तस्वीर आप स्थापित कर लें।
अपने सामर्थ्य अनुसार उनको भोग अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा कर लें और बहुत सरल विधि से आप उनके सामने संकल्प को ले लें कि हे प्रभु, आज की तिथि से 21 माला 45 दिन तक नियमित मैं इस मंत्र का जाप करूंगा। अगर आप पुरुष हैं तो आपको प्रयास ये करना चाहिए, सिर्फ मैं प्रयास की बात कह रहा हूँ, आपको प्रयास ये करना चाहिए कि इन 45 दिनों में आप जो ब्रह्मचर्य की पूरी नियम जो पालन है, जो प्रक्रिया है, वह आप कर सकें। शेव वेव आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर बाध्यता है, ऑफिस जाना है, आपको शेव करना है, फिर उसमें कोई बात नहीं है, आप कर सकते हैं। यदि संभव हो जाए तो नहीं करना चाहिए। और एक समय अगर आप अन्न ग्रहण कर सकें और एक समय फलाहार कर सकें तो अति उत्तम होगा। अगर मान लीजिए यहाँ भी बाध्यता होती है, आप नहीं कर पाते, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी भावना से सिर्फ जाप करें और बाकी सभी बातों के लिए प्रभु से क्षमा मांग लें कि प्रभु, मुझे जितना सामर्थ्य था, मैं जितना कर सकता था मैंने किया, और उसके अलावा अगर मुझसे कहीं गलती रह गई हो तो आप मेरी भूल चूक को क्षमा करेंगे, प्रभु निश्चित तौर पर क्षमा करेंगे। आइए अब आपको चौपाई बताता हूँ, कौन सी चौपाई का आपको जाप करना है। मोहि अनुचर कर केतिक बाता तेहि मह कुसुमहु बाम विधाता। इस चौपाई का जाप करने से बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इस चौपाई को फिर से आप एक बार पुनः सुन लें, इससे आपको फायदा मिलेगा। ये चौपाई बहुत ध्यान से सुने और लिख लें। मोहि अनुचर कर केतिक बाता तेहि मह कुसुमहु बाम विधाता। इस चौपाई का जाप करने से दुर्भाग्य का नाश होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। आप 21 माला 45 दिन तक जाप करेंगे और उसके बाद ये जो मंत्र है, चौपाई है, ये जो दोहा है, ये आपकी जबान पर चढ़ जाएगा। आप चलते उठते बैठते इसका आप जाप करते रह सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जाप के लिए तुलसी की माला या लाल चंदन की माला का प्रयोग किया जाना बहुत ज़्यादा कल्याणकारी और प्रभावशाली होता है। और इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जय श्री राम। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।